सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने Redmi Note 10 को Pro या Pro Max को MIUI 13 से MIUI 12.5 पर स्विच कर सकेंगे। तो बहुत ही आसान स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक भी स्टेप मिस ना हो और आपका जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली सक्सेस हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो फ़ोन है उसका बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए। ये आपको कैसे पता करना है आपका बूटलोडर, आपके फ़ोन का जो बूटलोडर है वो अनलॉक है या नहीं, तो यहाँ पर आप पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे, रिबूट पर टैप करेंगे, फिर से रिबूट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखाई देगा अनलॉक का। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये बूटलोडर अनलॉक होने का सिंबल है। यदि आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका जो फ़ोन है उसका बूटलोडर लॉक है, अनलॉक नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे अनलॉक करना है। आपको नहीं पता है कैसे अनलॉक करते हैं, ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रिप दिखाई देगी, उस पर आप वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आप बूटलोडर को अनलॉक कर सकते हैं। और बढ़ते हैं हम अपने आगे की प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हमें कुछ फाइलें डाउनलोड करनी है और आपके पास एक पीसी होना चाहिए जिससे कि आप इसे डाउनग्रेड कर सकें। तो सबसे पहले हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ADB सेटअप को आपको डाउनलोड करना है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे नए पेज पर आ जाएंगे, तो इस पर आप प्लीज़ क्लिक हेयर टू स्टार्ट डाउनलोड मैनुअली पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो फाइल है आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए पॉपअप आ चुका है, डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। बैक करके पीछे आइए और ये जो फाइल है MIFLASH टूल पर, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस फाइल को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो सिंपली ये भी फाइल हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए MIFLASH टूल एंड ADB सेटअप। अब जो है आपको रोम फाइल डाउनलोड करनी है। अब आपको चले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए मी फर्मवेयर। स्क्रॉल टू डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपने डिवाइस का नाम डाल दीजिए, जैसे मेरा है Redmi Note 10 Pro या Pro Max। तो ये देखिए Redmi Note 10 Pro या Pro Max Sweeten, ये जो Sweeten है ये हमारा कोड नेम है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अर्चीव एंड रोम पर सेलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। तो हमें यहाँ से MIUI 12.5 की जो फाइल है वो डाउनलोड करनी है। तो ये देखिए सारे जो वर्जन हैं हमारे आ चुके हैं। तो हमें जाना है MIUI 12.5.2 पर। ये देखिए Redmi Note 10 Pro Max स्टेबल बीटा रिकवरी। तो हमें यहाँ पर फास्टबूट रोम डाउनलोड करनी है। ये देखिए फास्टबूट रोम हमें डाउनलोड करनी है। तो सिंपली हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ऐड को कट कर देंगे और ये हमें नए पेज पर लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए ये है रिकवरी फाइल और ये है इसके नीचे फास्टबूट फाइल टाइप फास्टबूट। तो इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर ये सर्वर के लिंक दिए गए हैं, किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। तो सिंपली ये तीनों फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं। तो ये तीनों फाइल हमें अपने पीसी में ट्रांसफ़र करनी है या फिर अपने पीसी में ही ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, सॉरी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो अब जो स्टेप है आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको एक डाटा केबल की ज़रूरत पड़ने वाली है और यहाँ पर अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको पीसी से साउंड सुनाई देगा। तो अब आपको करना क्या है, देखिए फाइल ट्रांसफ़र एंड ऑटो पर क्लिक कीजिए। तो ये जो हमारे डिवाइस है पीसी से कनेक्ट हो चुका है। दिस पीसी को ओपन कीजिए और यहाँ पर दिस पीसी, ये जो डिवाइस है इसका जो फोल्डर है जिसमें आपकी फाइल रखी हुई है उसमें चली जाइए, इंटरनल स्टोरेज। तो ये रही हमारी सारी फाइल्स, ये रही। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और यहाँ पर कट या कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक कट या कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे मैं कट करता हूँ और इसे आप मिनिमाइज़ कर देंगे। तो यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर आकर पेस्ट कर दीजिए।
तो सिंपली ये जो फाइल हैं हमारे सामने आ चुकी हैं, ये देखिए ADV सेटअप, मी फ्लैश टूल एंड रोम फाइल, ये तीन फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कुछ देर बाद। तो यहाँ पर ये टाइम दिखा रहा है 17 मिनट यहाँ पर टाइम लगने वाला है, तो इसे आप होने दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारी फाइलें हैं वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, ये देखिए ADV सेटअप और ये स्वीटन की फाइल और ये है मी फ्लैश टूल। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो फाइलें हैं हमारी प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रही हैं, हमें एक एप्लीकेशन अपने PC में डाउनलोड करनी है। तो मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, यहाँ पर आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च कीजिए विनरार डाउनलोड। तो ये जो फाइल है आपको ये डाउनलोड करनी है, डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये देखिए ऊपर आपको ये दिखाई देगा 64 बिट, 32 बिट। तो आपका जो लैपटॉप है यदि 64 बिट का है तो ऊपर वाली डाउनलोड कर लीजिए और 32 बिट का है तो नीचे वाली। तो हमारा जो लैपटॉप है 64 बिट का है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन दिखाई देगा, तो डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जो फाइल है डाउनलोड हो चुकी है, इस फाइल को PC में ट्रांसफ़र कीजिए। तो हमने ये जो फाइल है ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखी है अपनी PC में। तो ये रही हमारी जो फाइल है विनरार की, डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यस कर दीजिए। और यस करने के बाद ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉल ओके डन। तो ये देखिए यहाँ पर जो फाइलें हैं वो चेंज हो चुकी हैं और हम यहाँ से आप इसे क्लोज करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो फाइलें हैं उनका जो साइज़ है और जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ADV सेटअप को यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट टू ADV सेटअप 1.4.3 पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारे सामने ये जो फाइल है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ये रही। मी फ्लैश टूल को राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट टू मी फ्लैश टूल पर क्लिक कर दीजिए। तो ये भी फाइल हमारी ये आ गई। तो ये जो फाइल है रोम फाइल, इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट टू स्वीट एंड ग्लोबल। तो यहाँ पर ये जो है 4 से 5 मिनट का टाइम लेगा, तो इसे आप होने दीजिए। तब तक हम ADV सेटअप को ओपन करते हैं, एक्सट्रैक्टेड फाइल ADV सेटअप की ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ टाइम वेट लेगा, ये देखिए ऐसा सेक्शन आएगा, डबल क्लिक करके इसे ओपन कीजिए। तो आपके सामने ये कुछ देर वेट लेगा और नया इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप यस कर दीजिए, यस करने के बाद आपके सामने ब्लू स्क्रीन आएगी। ये देखिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से वाई एंटर, फिर से वाई एंटर, यहाँ पर फिर से वाई एंटर, अभी रुकिए। तो ये देखिए वाई एंटर, तो हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये प्रोसेस होगा, ये देखिए फिनिश, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इसे भी आप क्लोज कर दीजिए। तो अब आपको करना क्या है, मी फ्लैश टूल की जो फाइल है उसे ओपन कीजिए, डबल क्लिक करके यहाँ पर आप आएंगे, डबल क्लिक करके इसे ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मी फ्लैश टूल, मी फ्लैश 2017 0425, डबल क्लिक करके इसे ओपन कीजिए। यहाँ पर ये कुछ टाइम वेट लेगा, जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो मी फ्लैश टूल का वो स्टार्ट होगा। ये देखिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है मी फ्लैश टूल का वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी आपको 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं। तो बैकग्राउंड की जो स्क्रीन है इसे आप क्लोज कर दीजिए। देखिए ये जो स्क्रीन आ चुकी है, यस पर क्लिक कर दीजिए, तो हमारा जो Xiaomi फ्लैश है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इसे आप होने दीजिए, यहाँ पर आप ये देखिए हमारा जो Xiaomi फ्लैश है वो इंस्टॉल हो चुका है, इसे आप कंप्लीट होने दीजिए तभी आप इसे ओपन कीजिएगा, नहीं तो आपको एरर मिल सकता है। तो ये देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट, क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करने के बाद अब आपको करना क्या है, इसे आप ओपन कर लीजिए Xiaomi फ्लैश को,
ऐसी स्क्रीन आएगी, यस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ टाइम वेट लेगा, तो ये देखिए कुछ ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। मैं आपको प्रॉपर वे में बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले ये जो तीन आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं, क्लीन ऑल, सेव यूज़र डेटा, क्लीन ऑल एंड लॉक, इनका मैं आपको मतलब बताता हूँ। क्लीन ऑल पर यदि आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका बूट लोडर है वो अनलॉक रहेगा और आपका जो आप फ्यूचर में अपने डिवाइस को डाउनग्रेड या अपग्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, ये जो फाइल है इसे हम पूरा होने देते हैं और ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है देखिए, ये जो स्वीटन की फाइल है, ये हमारी रोम फाइल थी, ये रही। तो यहाँ पर हम इसे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद दिस पीसी की फाइल को ओपन कीजिए, दिस पीसी को ओपन कीजिए यहाँ पर आकर, और लोकल डिस्क सी या मेन ड्राइव में आकर इसे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट। तो यहाँ पर ये जो फाइल है ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुकी है, आप डायरेक्टली यहाँ से उठाकर यहाँ पर ला सकते हैं। हमने कट करके पेस्ट कर दिया। तो अब हमें करना क्या है देखिए, डबल क्लिक करके इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फिर से डबल क्लिक कीजिए इसे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो कॉलम है स्वीटन इन ग्लोबल, इसे आप टैप कर दीजिए तो आपको ब्लू स्ट्रिप दिखाई देगी। अब आपको करना क्या है, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी हो गया, यहाँ से आप इसे मिनिमाइज़ करेंगे, मी फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। यहाँ पर ये पहले ही ओपन था हमारा। तो ये देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपका जो ये डिवाइस है ये आपके पीसी से कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मेरा 13 वर्जन पर है, हम इसे 12.5 पर स्विच करने वाले हैं। बैक कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद अकाउंटेंट सिंक में आइए, गूगल पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप रिमूव अकाउंट कर दीजिए। जितने भी अकाउंट आपके लॉगिन हैं यहाँ पर रिमूव कर दीजिए। तो सिंपली हमारे जो अकाउंट हैं यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है देखिए, पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे और रिबूट पर क्लिक कर देंगे। और अब आपको वॉल्यूम डाउन बटन दबाकर रखना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखिए, तो आपका जो ये डिवाइस है फास्ट बूट मोड में ओपन हो जाएगा, ये देखिए। और आपको पीसी से भी साउंड सुनाई देगा, हमारा जो फ़ोन है फास्ट बूट मोड में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आएंगे, वाइट स्ट्रिप पर राइट क्लिक कीजिए, हमने जो फाइल कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो सिंपली ये जो फाइल है हमारी पेस्ट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, रिफ्रेश पर क्लिक कीजिए। याद रखिएगा ये जो डिवाइस है जिसे आप डाउनग्रेड कर रहे हैं Redmi Note 10 Pro, ये आपका फास्ट बूट मोड में कनेक्ट होना चाहिए। तो ये देखिए, जैसे ही आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे ऐसा आपको कोड दिखाई दे तो आप इसे फ्लैश कर सकते हैं। यदि आपको ये कोड नहीं दिखाई दे रहा तो आप रोम फाइल को फ्लैश नहीं कर सकते। तो डाउनग्रेड का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। क्लीन ऑल पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक कर देंगे। तो सिंपली हमारे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको 5-10 मिनट का टाइम लग सकता है, तो अपने डिवाइस को बिल्कुल भी छूइएगा मत, ऐसे ही रहने दीजिए। तो 5-10 मिनट बाद हम मिलते हैं। और यहाँ पर मैं इनका आपको रीज़न बता देता हूँ, क्लीन ऑल पर बूट लोडर अनलॉक रहेगा, क्लीन ऑल एंड लॉक पर बूट लोडर लॉक हो जाएगा। तो सिंपली यही आपका जो इन दोनों का मतलब यही है। और सेव यूज डाटा पर हमने ट्राई करके देखा था, डाटा जो है वो डिलीट हो ही जाता है, तो इसे आप ना करें, क्लीन ऑल या क्लीन ऑल एंड लॉक पर सेलेक्ट करें बस। तो यहाँ पर 5-10 मिनट का टाइम लेगा।
एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आपको यहाँ पर एरर दिखाई देता है तो आपको इस फाइल को दोबारा से यहाँ पर आकर दिस पीसी में आकर ये जो फाइल है दोबारा से कॉपी कर लेना है। लाइन पर क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए, कॉपी एड्रेस को क्लिक कर दीजिए, तो ये जो फाइल है दोबारा कॉपी होगी और यहाँ पर आपको पेस्ट करके फिर से फ्लैश कर देना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखिए हमें यहाँ पर एरर मिल चुका है और हम यहाँ पर फिर से ट्राई करके देखते हैं। कट करेंगे यहाँ पर, पेस्ट, रिफ्रेश, प्लेस। और ये देखिए यहाँ पर जो लोगो है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। हमने जो डिवाइस है यहाँ पर रिबूट किया था अभी, सॉरी पावर बटन को अभी प्रेस किया था, ये जो लोगो है वो चेंज हो चुका है। तो अभी इसे आप होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। और वीडियो को मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत स्किप करूँगा और जो भी होगा आपकी नज़रों के सामने होगा। तो हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कम्प्लीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रीन स्ट्रिप थी ये सबसे पहले फुल थी, उसके बाद ये हाफ होने लगी और यहाँ पर जो है हमें लगभग 500 से 520 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। तो चलिए वेट करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो हमारा जो लगभग टाइम है यहाँ पर टाइम है 530 सेकेंड और ये रिजल्ट सक्सेस। और हमारा जो डिवाइस है ये देखिए ऑटोमेटिकली बूट होगा और हमारा जो बूट लोडर है वो अनलॉक है, ये देखिए। तो अभी मैं इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट करके दिखाता हूँ। अब चाहें तो आप केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमने केबल को डिस्कनेक्ट कर दिया और अब हम इसका जो सेटअप है उसे कंप्लीट करते हैं। और वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बनाया है, तो एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए तभी आप डाउनग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो लोगो है MIUI का वो आ चुका है और ये जो डिवाइस है MIUI 13 से MIUI 12.5 पर डाउनग्रेड हो चुका है। तो अभी हम इसका सेटअप कंप्लीट करते हैं और वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी लंबा जो वीडियो है वो बन चुका है।